नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गुरनानी, आपका दोस्त, सीईओ आईएमएफटी, इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल ट्रेडिंग। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस सीरीज में 100 डेज 100 वीडियोस आपके लिए। दोस्तों, बहुत सारे साथियों का क्वेरी आया, क्वेश्चन आया कि सर, जो यंगस्टर्स हैं, जो अच्छा कमा रहे हैं, वो जल्दी अपॉइंटमेंट नहीं देते, और जो HNI है, जो NRI है, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो भी जल्दी अपॉइंटमेंट नहीं देते, या अगर रिलेशंस में अपॉइंटमेंट मिल जाता है तो हम उनको दिखाएं क्या, उनके साथ क्या बात करें, उनके साथ कैसे शुरुआत करें। तो यंगस्टर्स हैं, फास्ट है आपसे बात करने में, और कई बार मन में हिचकिचाहट होती है कि कैसे किया जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपके मन में जो भी कमेंट हो वो श्योर कीजिएगा। आज हम फोकस करने वाले हैं HNI, NRI और यंगस्टर्स, उनको जब मिले तो कैसे बात करें, उसके पीछे क्या तैयारी करनी पड़ती है। दोस्तों, जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं आप उनको ऑब्जर्व कीजिए, जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं जबरदस्त फीस चार्ज करते हैं तो वो किस तरह काम करते हैं। सबसे पहले जब भी आप एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, जब आप उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं तो आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो भी क्वेरीज हैं, वो असिस्टेंट उनका लिख लेता है पूरा डिटेल में। उसके बाद दोस्तों, वो आपसे कुछ क्वेश्चन करने के बाद असेस करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, कैसे है, हेल्थ में क्या इश्यूज हैं, और उसको डायग्नोज करने के लिए आपको कुछ पैथोलॉजिकल टेस्ट या बाकी के रिपोर्ट्स निकलवाते हैं, और वो रिपोर्ट्स निकलवाने के बाद उनको सटीक पता चलता है कि प्रॉब्लम क्या है, और उस प्रॉब्लम को डायग्नोज करने के बाद वो ट्रीटमेंट लिखते हैं, आपको दवाई देते हैं और आपको हेल्दी बना देते हैं। इसका मतलब ये है कि उनके नॉलेज का, एक्सपर्टीज का उनको फायदा मिलता है, और इसी वजह से आपका उन पर भरोसा होता है। जितना बड़ा डॉक्टर उतनी बड़ी फीस, उतना सटीक इलाज, ये एक मान्यता है और ऐसा होता भी है। दोस्तों, फाइनेंशियल डॉक्टर कैसे काम करते हैं? अगर आपको मिलेनियल से काम करना है, अगर आपको HNI से काम करना है, अगर आपको NRI से काम करना है, तो आपको भी इसी पैटर्न पर काम करना होगा। अगर आप डायरेक्ट प्रोडक्ट पुश करने जाएंगे तो काम नहीं होगा। तो किस तरह काम करना चाहिए? दोस्तों, अगर आपको टॉप सेगमेंट के साथ काम करना है, टाइम लगता है, लेकिन उसके लिए आपको तैयारी भी जबरदस्त करनी पड़ती है। उस प्रोस्पेक्ट से अपॉइंटमेंट में ऐसे कुछ सवाल करने पड़ते हैं कि आज तक उसको किसी ने भी ऐसे सवाल नहीं किए हो, उसकी रियल प्रॉब्लम्स तक जाके उससे वो सवाल करने से उसके जो मन की बात है, जो मन के प्रॉब्लम्स है, वो बाहर आ जाते हैं। सबसे पहले आपको प्रोफेशनली उनके साथ बात करनी पड़ती है, टू द पॉइंट बात करनी पड़ती है, इधर उधर की ज्यादा बात नहीं चलती, क्योंकि हर एक के टाइम की कीमत है। मिलेनियल्स फास्ट है और उसके साथ HNI और NRI के टाइम की बहुत कीमत है। तो जब भी अपॉइंटमेंट ले, 7 या 8 मिनट का अपॉइंटमेंट मैक्सिमम हो गया, 7-8 मिनट में ऐसे सवाल होने चाहिए जो आपको उनके बारे में उनकी ऐसी डिटेल दे ताकि वो आपको फिर से बोले कि कब हम फिर से मिल रहे हैं। दोस्तों, जो यंगस्टर्स हैं, जो हाई सेगमेंट इनकम वाले लोग हैं, जो NRI हैं, उनको प्रोडक्ट्स नहीं, लेकिन उनको फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत होती है, कंप्लीट फाइनेंशियल प्लान। उनकी जो नीड्स है, उनके गोल्स कौन से हैं, उनकी नीड्स कौन सी है, उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है, उसके सामने उनकी रिस्क कौन सी है, उनके बिजनेस की रिस्क कौन सी है, उनकी पर्सनल रिस्क कौन सी है, उनको रिटायरमेंट के लिए कितने पैसे की जरूरत पड़ सकती है, उनके परिवार के लिए सही प्रोटेक्शन कितना है, उनके जो भी गोल्स हैं,
उन तक वो कैसे रीच कर पाएंगे, उनको कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की जरूरत पड़ सकती है, उनका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसका एसेट एलोकेशन कैसे किया हुआ है। कुछ साथियों ने पूछा कि सर ये एसेट एलोकेशन इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में एसेट एलोकेशन ही इंपॉर्टेंट है। एसेट एलोकेशन से ही पूरे दुनिया के जितने भी टॉप इन्वेस्टर्स हैं उनका फोकस एसेट एलोकेशन पे होता है। तो एसेट एलोकेशन किस तरह से आप करेंगे उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो यह जो हमारी सीरीज है इसके अंदर हम अभी फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड आपके लिए कम से कम 5 वीडियोस कंटिन्यूअस लाएंगे, जिसके अंदर अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, गोल प्रायोरिटी कैसे करना है, उसके साथ साथ कस्टमर की रिस्क कैसे असेस करनी है, किस प्रकार की कौन सी रिस्क कैसे होती है, एसेट एलोकेशन क्या होता है और कंप्लीट फाइनेंशियल प्लान कैसे बनाते हैं। दोस्तों, यह 5 सीरीज में, 5 वीडियोस में आपके लिए यह पूरा डिटेल में हम लाने वाले हैं। अगर आपको चाहिए कि कंप्लीट फाइनेंशियल प्लान का सर सैंपल कैसे होता है, किस तरह बनता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो इन नंबर पर अभी व्हाट्सएप करके आप लिख सकते हैं कंप्लीट फाइनेंशियल प्लान, आप तक यह आ जाएगा, आप उसको देख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं उसका, आपको पता चलेगा यंगस्टर्स, टेक्नोक्रेट, मिलेनियल्स, HNI, NRI, इंडस्ट्रियलिस्ट, सेलिब्रिटीज इस प्रकार के फाइनेंशियल प्लान का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर एसेट एलोकेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथियों, तो आज का जो आपने यह वीडियो देखा और आने वाले यह 5 वीडियोस बिल्कुल मिस मत करना, पछताओगे। तो आज का जो यह वीडियो है वो देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद मानता हूं, और आने वाले 5 वीडियोस अगर आपने मिस कर दिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी। अभी ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके दोस्तों को भी बताइएगा आने वाले 5 वीडियोस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद साथियों।